और ज्योति पैदल पैदल चल के आ रही है अभी वहाँ से, पूरा उस तरफ से नीचे से चल के आई है पूरा वो, क्योंकि इस ब्लैक आइस में स्कीड हो सकती है बाइक। भाई अभी पंचर तो पंचर था ही साथ में, और ये तीलियाँ भी टूट चुकी है बाइक की, ये देखो रिम की, बहुत ज़्यादा सीन हो गया भाई ये तो। और टायर देखो पूरा बबलिंग खा रहा है टायर ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है किमेश ज्योति, और आप लोगों का स्वागत है तीसरे ब्लॉग में। और गुड मॉर्निंग है मनाली से वापस, अभी हम लोग मनाली में ही हैं, और अभी हमारा प्लान जो है वो है बिजली महादेव जाने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि कल हम लोग अटल टनल नहीं जा पाए थे, हमारे पास बाइक थी तो उन्होंने हमको मना कर दिया था कि वहाँ पे आगे रोड पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है तो आप लोग नहीं जा सकते, और वहाँ पे मेरी बाइक भी स्किड हुई थी जो कि आपको व्लॉग में दिख गया होगा। अब हमारा प्लान जो है ना वो बिजली महादेव जाने का है, तो हम बिजली महादेव के लिए रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद कल हम दिल्ली निकलेंगे वापस। तो अभी तो यही है फिलहाल, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं दिखाने को, तो अभी पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद सीधे बिजली महादेव चलते हैं। तो पहले मैं अपनी बाइक की चेन वगैरह लूप कर लेता हूँ और लगेज वगैरह उस पर बांध देता हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट लिए निकलेंगे और फिर सीधे बिजली महादेव जाएंगे। तो ये हमारा रूम था, सारा फैला हुआ था, अभी धीरे धीरे पैकिंग कर दी हम लोगों ने, सब लगेज वगैरह सब बांध दिए हैं। ज्योति भी रेडी हो गई है, ज्योति रेडी ना, बिजली महादेव जाना है ना। ये क्या लिया है? ये न्यू लिया था इसने, अच्छा है ये, कितने का था? 100 bucks, 100 रुपये का, बहुत बढ़िया। मैंने भी कैप ली थी, कैप आप लोगों ने देख ली होगी, ये वाली बहुत अच्छी कैप है। ठीक है चलते हैं, पैकिंग करते हैं, लगेज वगैरह बांधते हैं बाइक पे। बाइक स्टार्ट हो गई है, दूसरे सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो गई थी, अभी मैं इसकी चेन वगैरह लूप करता हूँ। वैसे लूप तो है चेन, बट क्लीन करनी है चेन को, एक बार ही क्लीन हो जाएगी ना तो थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करेगी। ईशान पाजी भी अभी आ रहे हैं, और ये हमारा होटल है जहाँ हम रुके हैं, द विंटरफेल लॉज, नंबर वगैरह भी वहाँ लिखा हुआ है। चलो भाई लोग, हम लोग निकल चुके हैं ओल्ड मनाली से, अभी हमें ब्रेकफास्ट करना है तो वो कोई अच्छी सी लोकेशन देख के करते हैं, क्योंकि मनाली में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है अभी भी, तो हर जगह पे एक एक घंटे की वेटिंग है, इसलिए हमने सोचा कि बिजली महादेव के रास्ते में कहीं पे खुली जगह पे कहीं पे खा लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे अपना वहीं पर ही। अब एक जने ने कहा था कि इधर से जाता रास्ता, अब देखते हैं किधर की तरफ जाना है। कहाँ से चले, यहाँ चले हैं? चलो भाई देखो, दो रास्ते जाते हैं बिजली महादेव के लिए, एक जाता है जहाँ पे पूरी बाइक चली जाती है ऊपर तक, तो अभी हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि बाइक पे ही लेके जाएं, बाइक को लेके जाएं सीधा, ट्रैक ना करना पड़े, क्योंकि ट्रैक 3 किलोमीटर का है जो कि 1 से 1.5 घंटे में कवर होगा। तो अभी रास्ते पूछते हुए जाएंगे बिजली महादेव के लिए। भाई ऑफ रोडिंग वापस स्टार्ट हो गई है, अगर ये वाला रास्ते मिलेंगे तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। ओबे भाई, एक तो लगेज भी बहुत ज़्यादा है ना बाइक पे, और सीधी चढ़ाई है देखो, लोडिंग उठाने में भाई बहुत प्रॉब्लम लेगी अब बाइक, क्योंकि सीधी चढ़ाई है और लगेज बहुत सारा है बाइक पे। देखो एक रोड वहाँ से जा रही है जो कि हाईवे, प्रॉपर हाईवे बनाया हुआ है, और एक इधर से जा रही है जो कि आप देख सकते हो, और अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, और इस साइड तो वैसे भी ट्रैफिक कम ही मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग उधर गए थे सोलांग की तरफ गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा,
अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो वाला ब्लॉग देखना, उसके बाद ये ब्लॉग देखना, तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हम लोग सोलांग पहुँचे थे। वैसे हमारा टारगेट जो था वो था अटल टनल घूमने का, अटल टनल, शिशु विलेज, यहाँ तक एक्सप्लोर करने का था, पर वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि स्नो आगे बहुत पड़ी हुई थी और बाइक नहीं जा सकती थी। अगर हमें जाना था तो 4x4 लेके ही जा सकते थे हम लोग। तो हम लोगों ने सोलांग ही थोड़ा बहुत घूमा और वापसी मनाली की तरफ आ गए थे। भाई लोग नज़ारा देखो, क्या बढ़िया मस्त नज़ारा आ रखा है, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं और राइट साइड में बहुत अच्छे पहाड़ चल रहे हैं। इधर खा ले, यहीं पर हमने स्टॉप लेने का सोच रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने का। बहुत ज़्यादा ढलान पे खड़ी हो गई। चलो भाई देखो लोडिंग देख लो, बहुत ज़्यादा लोडिंग है यार, पता नहीं इतना सामान कैसे भर गया, आते टाइम तो ठीक था और बहुत ज़्यादा लोडिंग लेके चल रही है बाइक। तो ये कुछ लोकेशन है, सामने देखो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये है, पहले चाबी निकाल लेते हैं। चलो भाई कहाँ पे खाएं, मैं थोड़ा ओपन में खाने का सीन बन रहा है, ओपन में बैठ कर खाएंगे थोड़ा। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, नीचे कैफे था लेकिन हम लोग नीचे नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि ऊपर ना छत जो बनाया हुआ टेरेस और धूप इतनी अच्छी आ रही है और पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग टेरेस पर आ गए हैं। यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, आई बन रहा है ब्रेकफास्ट, टाइम लगेगा और बहुत तेज भूख लग रही है और ज्योति को भी बहुत तेज भूख लग रही है, बोल भी नहीं पा रही है, खाना नहीं मिला है। और हमें बिजली महादेव भी जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा यार, मतलब लग रहा है हमें शाम हो जाएगी, 4 या 5 बजेंगे पहुँचते पहुँचते, पर जब तक आप लोग ये व्यू देखो, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। चलो जी, जय श्री राम, जय श्री राधे। 3 बज गए हमको लंच करते करते, रुके ब्रेकफास्ट के लिए थे पर सोचा कि लंच भी कर लेते हैं साथ में क्योंकि आगे पता नहीं मिले ना मिले और फिर टाइम भी वेस्ट होता बार बार रुकते, इसलिए हमने लंच भी साथ में कर ही लिया। 3 बजे का टाइम है, 2 घंटे का रीचिंग टाइम दिखा रहा है, तो मतलब 2.5 से 3 घंटे भी और लग सकते हैं हमको पहुँचने में, वही 5:30-6 बजेंगे हमें पहुँचते पहुँचते लगता है। और धूप जो है काफ़ी अच्छी निकली हुई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया धूप आ रखी है इस टाइम, ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है बस, जब भी हम थोड़े छाँव में से निकलते हैं ना तो वहाँ से जो हवा लगती है ना बस वो बहुत ठंडी होती है। और ये छोटा सा ब्रिज है, अब यहाँ से लगता है ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलो रोड तो थोड़े बहुत साफ मिलेंगे और थोड़े बहुत ऑफ रोड मिलेगा, लेकिन यार काफ़ी लेट हो गया हम लोग निकलने में, 3 बजे निकल रहे हैं, मतलब जहाँ हमारा टारगेट 12 बजे निकलने का था ना वहाँ 3 बजे निकले हम लोग। देखते हैं अब कब तक ऊपर पहुँचेंगे टॉप पे, फिर हमें वापसी नीचे भी आना है। आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम मंडी तक कंप्लीट करके वहीं पर स्टॉप लें ताकि अगले दिन जो कल हम दिल्ली निकलेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि इतना लंबा सर्किट कंप्लीट करना है, तो मंडी से दिल्ली जाना है
जो कि 9-10 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि मनाली से दिल्ली करना ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा 15-16 घंटे की राइड होती है यार, 15-16 घंटे की। और जिस हिसाब से अभी रोड बने हैं ना मंडी के, वो बहुत ख़राब हैं, तो वहाँ पे तो चल ही नहीं पाती, वहाँ पे तो 20-30 की स्पीड में बाइक चलती है। तो टारगेट ये रखेंगे आज का कि जितनी जल्दी हो पाए मंडी तक पहुँच जाएँ, वहीं पर ही अपना होटल वगैरह लेके वहीं पर ही स्टे करें रात को, और फिर कल सुबह अच्छे से फ्रेश हो गए सुबह निकले, ताकि हम दिल्ली रात को 12 बजे से पहले पहले पहुँच पाएँ, क्योंकि उसके बाद किसानों का भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे मुरथल में, तो वहाँ पे भी पता नहीं कुछ हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी है और कुछ ना कुछ उन्होंने पक्का वहाँ पे सीन होने हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि रैलियाँ वैलियाँ निकालेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी आएगी अभी। और अभी तक तो ये नज़ारे हैं, ये देखो छोटे छोटे घर बने हुए हैं पहाड़ों के अंदर, बहुत ही सुंदर लगते हैं छोटे छोटे घर जो बने होते हैं ना पहाड़ों में, ये देखो। और हमें अभी कुल्लू तक तो ऐसे ही जाना है, उसके बाद कोई रोड कटेगी ऊपर बिजली महादेव के लिए। भाई साहब व्यू देखो आप, क्या मज़ा आ रहा है, पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये रोड जो निकल रही है पेड़ों के बीच में से, मस्त एकदम, बहुत ही प्यारा रास्ता बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। अभी लोग बाग भी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, रुक के फोटोग्राफी कर रहे हैं, या पता नहीं पुलिस वाले थे उन्होंने रोका हुआ था। हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं, और एक जो है मेन हाईवे है तो वो भी अच्छा बनाया हुआ है, पर वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी देखने को। तो अगर आप लोग आना चाहते हो मनाली, तो उस रास्ते से आ सकते हो और इस रास्ते से जा सकते हो कुल्लू तक, दोनों रास्ते ट्राई करो हमारे हिसाब से। तो ये रास्ता बताया है, क्योंकि हम पहले उधर से आए थे, हम इधर आगे चले गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता भी जाता है बिजली महादेव को, और ये भी जाता है नगर कैसल वाला रास्ता जो है ऊपर की तरफ जाएगा। पर इन्होंने लोकल्स ने बताया कि 10 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर तक प्लेन रास्ता है, उसके बाद ऑफ रोड है पूरा, और वो बता रहे थे शायद आपको अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, इतना ऑफ रोड है। ट्राई करते हैं जाने का, अगर हो पाएगा तो जाएंगे, वरना फिर वापसी आ जाएंगे वहीं से, अगर ज़्यादा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है या फिर प्रॉब्लम होगी तो वापसी घुमा लेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है, पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई ये रास्ता जाता है बिजली महादेव के लिए। अब रोड काफी छोटे भी हो सकते हैं और ऑफ रोडिंग भी बहुत मिलेगी। अभी सब लोकल्स डरा सा रहे हैं कि भाई बहुत दूर है, बहुत ये है, बहुत वो है। और देखो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, देखो अब लोडिंग है ना तो काफ़ी इसलिए प्रॉब्लम है, चढ़ाई पे लोडिंग लेगी या नहीं लेगी, ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। यहाँ से व्यू देखो वैली का पूरा, अब यहाँ से भी कोई रास्ता बिजली महादेव, हाँ इधर राइट दिखा रहा है नगर जाना बिजली महादेव, तो ये अभी हमने चढ़ाई करी थी तो एकदम से ढलान सी आ गई है, पता नहीं यही रास्ता जाएगा या फिर दूसरा रास्ता जाएगा, वो देखना पड़ेगा अभी। अभी किसी लोकल से पूछते हैं कि ये रास्ता ठीक है या नहीं है। चलो चलो, तो भाई ये रास्ता बताया इन्होंने भी,
और वो कह रहे कि हाँ चली जाएगी, बहुत ही मतलब नॉर्मल टोन में बोला। तो मतलब जैसे इन्होंने बोला ना, तो हमें दिल में वो मेरे को तो कि हाँ जा सकती है, जब उस बंदे ने इतने तरीके से बोला कि हाँ हाँ चली जाएगी, इस वे में बोला है उसने। और अब थोड़ी ठंडक भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ना पहाड़ों के बीच में चलेंगे हम लोग, यहाँ पे धूप तो कम ही दिखेगी। और एक बाइक दिखी हमें आते हुए अभी, तो शायद क्या पता ये वहीं से आ रहे हों। टाइम भी भाई 4 बज चुके हैं, और अभी ज्योति अपने दूसरे कैमरे से, दूसरे फ़ोन से मतलब वीडियो ले रही है सेल्फी स्टिक लगा के। तो ये वीडियो सारी इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाएंगी, रील्स वगैरह बना रहे हैं हम लोग। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, या तो हमारा जो नेम है वो स्क्रीन पर ही लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो भी कैसी लगी है वो भी बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर करना भाई। हाँ हाथ सुनो रखे, उसने ग्लव्स भी नहीं पहने हाथों पर, ठंड बहुत तगड़ी है। अभी तो 4 बज रहे हैं, जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर और डाउन जाएगा और ठंड हो जाएगी, बहुत तगड़ी ठंड होने वाली है। ये देखो नज़ारा देखो भाई आप। मैम मैंने प्राशर लेक भी करा हुआ है बाइक पे, और सेम प्राशर लेक जैसा रास्ता है ये। मैंने प्राशर लेक की वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोगों ने वो भी देखना, बहुत पहले किया था मैंने, 3-4 साल पहले प्राशर लेक किया था मैंने। उस टाइम पे मेरे पास KTM RC थी, अब तो KTM ड्यूक है, तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जितनी कंफर्टेबल ये वाली बाइक है। तो सेम ऐसे ही रास्ते थे, सेम यही नज़ारा था उसका भी। मज़ा आ रहा है मतलब राइड करके, जब पहाड़ देखो ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर ऐसे रास्ता बिजली महादेव तक रहना तो भाई मज़ा आ जाएगा, पर बता रहे हैं जिस तरह से लोकल्स के भाई बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। देखते हैं ट्राई करेंगे भाई, पूरी कोशिश रहेगी, हार नहीं माननी इस बार, क्योंकि ना तो कल हम लोग अटल टनल जा पाए ना हम शिशु विलेज जा पाए, मतलब जाने नहीं दिया सोलांग से आगे हमें। और मेरी बाइक भी वहाँ पे स्कीड हो गई थी, ब्लैक आइस बहुत थी वहाँ पे, ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, सिर्फ 4x4 ही चल सकती है। जनवरी के मंथ में तो मुश्किल ही है वहाँ तक ले जाना। कोई नहीं, कभी जब वापस चक्कर लगेगा मनाली का तो अगली बार होके आएंगे पक्का से। तो इसलिए इस बार हम लोग बिजली महादेव जा रहे हैं, क्योंकि कभी गई भी नहीं उस तरफ, और वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी देखी थी बिजली महादेव की। तो इस बार कुछ अलग एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। और भाई ये ढाबा भी है यहाँ पे देखो, और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मतलब शायद ये लोग ऊपर से ही आ रहे होंगे। अब देखो यहाँ से स्नो स्टार्ट हो जाएगी शायद, स्लीपरी तो है यहाँ से। चले हाँ चलो, पता नहीं कुछ कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे ऊपर, जब भी वहीं से आ रहे हैं सब लोग। भाई बाइक स्कीड मार रही है यहाँ पे मेरी तो, क्योंकि लगेज भी ज़्यादा ना, पीछे का टायर घूम रहा है। ये देखो ये देखो भाई, ये पूरा मड मड है, कीचड़ से भरा हुआ है। मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ हल्का सा, ज्योति को उतार दिया मैंने, ज्योति सामने ही है। चलो भाई वाह भाई वाह, लद्दाख वाली फील ले रहे हैं यहाँ पे तो हम। ओ हो, देखो ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगा तो स्लिप हो सकता है। हाँ ये देखो आगे कहीं पे स्टॉप लेकर रोकता हूँ गाड़ी को, क्योंकि टायर मेरा स्लिप हो रहा है, कीचड़ बहुत है, जूते भी स्लिप हो रहे हैं अब तो। अरे अच्छा जाना वाटरफॉल ये है, ओहो आगे देखो आइस तो पड़ी हुई है, और ये वाटरफॉल भी आ गया यहाँ पे, और ये बंद पड़ा हुआ ढाबा पर। ये वाटरफॉल है
जाना वाटरफॉल, ये बंद पड़ा हुआ ढाबा और ये ऊपर स्नो पड़ी हुई हल्की हल्की। और अभी देख के आता हूँ, ईशान भाजी वगैरह भी पीछे रह गए हैं। ये जाना वाटरफॉल था, जाना या जाना पता नहीं, जो भी है कमेंट में करके बता देना कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब ये ब्लैक आइस है, अब यहाँ से हमने अपने अपने पिलियन को उतार दिया है, ज्योति को उतार दिया मैंने और चेतना को उतार दिया भाजी ने। और देखो ये ब्लैक आइस है, ये स्लिप हो रही है। चलो भगवान बचा लेना, भोलेनाथ जी आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा सेफली पहुँचा देना। हो ये देखो ब्लैक आइस है, ये देखो जमी भी है। ओ भाई साहब क्या स्कीड मारी बाइक मेरी। चलो भाई, ईशान भाई जी ने तो निकाल दी, चेतना जी पीछे वॉक करके आ रही हैं ना। वो किम्मी की टर्न है बाइक निकालने की, से निकाल ली आई गेस। ओ थोड़ा स्लिपली स्लिपरी है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। ये तो चुप रहे, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो यहाँ पे ही बर्फ़ आ गई है और देखो ब्लैक आइस है। भगवान बस हल्का हल्का चलाऊँ मैं, बस स्कीड ना हो बाइक मेरी। ईशान पाजी ने तो निकाल ली चेतना को बिठा के, पर मैंने ज्योति को उतार दिया है। आगे और स्नो पड़ी हुई है यार। ये यहाँ पे कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं। ब्लैक आइस है पूरी, ये ब्लैक आइस है। सही सलामत निकल जाए भगवान बस। जय माता दी, जय माता दी। आइस देख लो भाई, लेफ्ट साइड में पूरी आइस है मेरे, और इधर भी। तो मैंने भेज दिया कि मैं इसको कि भाई स्नो है, ब्लैक आइस है, लगेज बहुत ज़्यादा है, तो ही ना करे वो चले, मैं धीरे धीरे आती हूँ। और ये भी फनी यार, एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। बाकी ऑल गुड, तो किम्मी यहाँ वेट कर रहा है। तो सारा स्नो के बीच इसने मेजर मेजर पार कर लिया, चलो उसको भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये सारी ब्लैक आइस है। इसमें बाइक चलाना, टू व्हीलर चलाना बहुत रिस्की है। चलो भाई वापस चलते हैं।
और देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही नीचे उतारने में, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि वापसी निकलते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, क्योंकि आगे बहुत स्नो पड़ी हुई है। कर तो देंगे लेकिन रात को आने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी 20 किलोमीटर रह गया है बिजली महादेव। पहुँचते पहुँचते हमको रात हो जाएगी, और फिर वापसी आने में ऐसी जगह से ये स्नो टाइप में, क्योंकि ढलान पे स्नो होगी ना, तो समझ लो नहीं नहीं जा सकते और आ भी नहीं सकते यार। बेकार में बॉडी को हार्म होगा, या फिर बाइक वगैरह अगर स्कीड होती है तो बाइक को हार्म होगा, तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। हमने सोचा चलो वापसी चलते हैं, जब तीनों ने बोला कि चलो यार किसी और टाइम करेंगे, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ब्लैक आइस है देखो अभी भी, आप देख लो आइस पूरी भरी हुई है। ये होता ना कि ढलान नहीं होती, हमें वापसी नहीं आना होता, हमें वहीं रुकना होता, तो एक बार को हम कर देते। और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। लेकिन अब हमें ना वापसी भी आना है ऊपर से जाकर, और अब 20 किलोमीटर बता रहा कि 20 किलोमीटर अभी और है। 20 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो आप के ऐसे रोड पे, स्नो वाले रोड पे 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए, तो रात को हम पहुंचेंगे फिर हम कुछ देख भी नहीं पाएंगे ऊपर जाके। या तो ये होता कि हम लोग सुबह 9 या 10 बजे निकलते ना मनाली से, तो हम लोग इस टाइम वापसी आ रहे होते, तो फिर कुछ हो सकता था, लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल है भाई। तो अभी हम लोगों ने चाय का स्टॉप ले लिया है, एक चाय ब्रेक लिया है, जाना वाटरफॉल से तो हल्का सा पहले ही है, क्योंकि ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। जब भी आएंगे कभी अगली बार तब ट्राई करेंगे बिजली महादेव का, और ट्राई करेंगे कि विंटर में ना आए, क्योंकि स्नो जब पड़ती है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यार, और हमें रात को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि चलो वापसी चलते हैं। तो हमारा दो जो डेस्टिनेशन थी वो हो नहीं पाई इस ट्रिप पे, एक अटल टनल और एक बिजली महादेव, तो हम लोग सिर्फ मनाली और सोलांग वैली ही घूम के आए हैं। अगले साल आएंगे, अगली बार जब आएंगे तब घूमेंगे, ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जो भी हमने प्लान किया था इस बार, ये फर्स्ट टाइम हमारे ट्रिप में कि हमने जो भी प्लान किया उससे एक भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बट इट्स ओके, फन है, अपने मस्ती से चलो। आप प्रॉपर चलोगे कि आपको वहीं जाना है तो आप कुछ इंजॉय नहीं कर सकते, पहाड़ों के मजे लो, वाइबों के मजे लो, मजा यही है बस। ये अभी बाइक खड़ी है, बाइक भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बस भाई कैरियर इतना बड़ा लगा हुआ है ना, लगेज इतना है कि वो ठप ठप बजे जा रहा था जब भी गड्ढे आ रहे थे, और हवा काफ़ी ठंडी हो गई है इस टाइम। अब जैसे जी अंधेरा होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग अभी ये प्लान करेंगे कि जितना हो पाएगा हम उतना कवर करेंगे, मंडी तक या मंडी से पहले कहीं पर भी स्टॉप ले लेंगे, ताकि हमारे पास कल का जो डे रहेगा ना ज़्यादा हैक्टिक ना हो और हम डेली टाइमली पहुँच जाएँ। तो अभी चाय वाय पीते हैं, फिर बाद में वापस मिलते हैं बाइक के साथ। भाइयों ये देख लो क्या है, ये रेड राइस हैं, इन्होंने बोला कि ये यहीं पे मिलते हैं, बस उगते भी यहीं पे हैं, और कुछ कितने किलो, 300 रुपीज किलो है, मतलब ये अगर आप इसको गर्म करोगे तब भी इसका करो कुछ ऐसा आएगा, और ये देखने में कहीं से राइस नहीं लग रहे। पके हुए चावल देख लो, पके हुए चावल है ना, पके हुए चावल, पके हुए चावल, तो ये है पके हुए चावल। अरे बढ़िया, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, मस्त बढ़िया किचन बनाया हुआ आपने भैया, पूरा देसी। तो भाई फुल देसी वाला हिसाब है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है भाई, खाना भी अच्छा है, टेस्टी है, चाय वाय भी बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। और ये जो जिप्सी आप देख रहे हो, मारुति जिप्सी, ये लोग बिजली महादेव गए थे, सिर्फ यही गाड़ी जा पाई थी, 4x4 है ये, तो यही लोग होके आए हैं, और कोई गाड़ी थी नहीं ऊपर, तो सही हमने डिसीजन सही लिया कि हम लोग वापसी हो गए। वो बता रहे ऊपर काफ़ी स्नो पड़ी हुई थी तो बाइक नहीं चल पाती, मतलब आने में प्रॉब्लम होती काफ़ी, और ये लोग भी यहाँ से जब निकले थे 3.5 घंटे लगे इनको पहुँचने में बिजली महादेव ऊपर, और अब आए सुबह 11 बजे निकले थे ये लोग, और अब वापस आए लोग।
सही लिया हमने कि वापसी हो गए हम लोग। भाई ये कोई न्यू डिश है, सिड्डू, सिड्डू बोलते हैं इसको, सिड्डू मूसे वाला। हाँ, इसको घी ट्रेडिशनल कुल्लू की डिश, इस हरी चटनी से खाने को बोला उन्होंने। बाकी लेट्स सी, सब लोग ये टेस्ट करेंगे। और एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इस घी की यार। कैसा है? बढ़िया बता रहे हैं, मैं अभी टेस्ट करता हूँ। भैया को हमने चैनल सब्सक्राइब करा दिया है, ठीक है भैया, अभी वीडियो में आ गए हो देख लो, ठीक है। मनीराम ढाबा लोकल फूड, यहाँ पे आके जब भी आते हो जाना तो यहाँ पे खाना खा के जरूर जाना। हाँ, सिड्डू और चाय वगैरह पी के जा, ठीक है ठीक है, जरूर पक्का। चलो भाई चलते हैं अब नीचे की तरफ, अंधेरा होने से पहले उतरना है सब कुछ। अभी देख लो रात के मतलब शाम के 6:30 बजने वाले हैं, और अभी ईशान बाजी की बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उनकी बाइक का फ्यूज़ उड़ गया है शायद मेरे ख्याल से, तो ना इंडिकेशन दे रहा है कुछ भी, ना न्यूट्रल दिखा रहा है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही है वो। अभी तो ढलान है इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं ऐसी, नीचे कहीं पर जाके थोड़े उजाले में जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। वही मेरे पीछे भी चल रहे हैं और मैं आगे उनको कवर कर रहा हूँ ताकि रोड उनको दिख पाए। अब फ्यूज चेक कर रहे हैं ईशान भाजी अपनी बाइक का, और अंधेरा देखो कितना अंधेरा हो रहा है, वो तो बाइक की रोशनी चल रही है। हाँ आ गई आ गई आ गई। चलो भाई मतलब फ्यूज उड़ा था। हाँ सेल्फ मार के देखो एक बार। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो तो भाई बाइक स्टार्ट हो गई है, अब निकलते हैं वापसी। बढ़िया है। तो गाइस हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है, लंगर खाया, बहुत मज़ा आया, लंगर बहुत टेस्टी था, मज़ा आया ना लंगर खा के। अरे बहुत मज़ेदार था। और उस भैया ने हेल्प भी करी, वो कह रहे थे पहले चाय नहीं मिलेगी, फिर मैंने कहा मेरे को ठंड लग रही है प्लीज चाय दे दो, तो उन्होंने बोला चाय कोई बात नहीं चाय मिल जाएगी। चाय मिली, चावल मिले, सब्जी मिली, रोटियां मिली, और सब्जी बहुत और बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद, मतलब मजा आ गया। तो हमारा मतलब हम नाइट रात को 11 बजे मंडी पहुंचे, तो हमें होटल वगैरह लेना था, लेकिन हम लोगों ने ईशान बाजी ने बोला गुरुद्वारे चलते, गुरुद्वारे में रुकेंगे, और डिसीजन अच्छा रहा ईशान बाजी का। थैंक यू, मजा आ गया। मतलब ये है कि यहाँ पे कंफर्टेबली आराम से, कंफर्टेबली हाँ, बाइक की भी टेंशन नहीं है, आराम से अंदर भाई। 700 रुपीज में हमको ये रूम मिला। सो गाइस अगर आप लोग लेट नाइट आते हो, आपको लगता है कि आपको रूम सही मिल रहे हैं, फैमिली के लिए सेफ नहीं है, और लेट नाइट का होटल्स वाले क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं आपसे, अननेसेसरी 2000-3000 रुपए रैंडम चार्ज मांगते हैं, उन्हें पता है रात को फंसे हुए। तो प्लीज ये सेफ होते हैं, अच्छे होते हैं, रूम भी अच्छे होते हैं इनके, आप है अपने आप से थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, गुरुद्वारे वगैरह में जाके रुको, ये 24 घंटे इनका लंगर भी होता है, आपको अच्छा फूड मिल जाएगा, अच्छा स्टे मिल जाएगा, और आप सेफ फील करोगे यहाँ पे। मतलब आप रूम देख ही लो, रूम कितना अच्छा है, मैं आपको दिखाया था एक बार फिर से, ये पूरा प्रॉपर रूम है हमारा, बहुत बड़ा रूम है। तो भाई ये हमको 700 रुपये का रूम पड़ा, जिसमें हम 4 एक रूम में रुक जाएंगे, और अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है इसमें, बाकी रूम्स में नहीं होगा, लेकिन इसमें मिल गया हम लोगों को। और लंगर भी काफ़ी अच्छा था, पेट भरे खाना खा लिया। अब 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम सीधे सुबह मिलेंगे आप लोगों से, अभी सोते हैं और सुबह उठ के वापस दिल्ली के लिए निकलना है, तो सुबह मिलते हैं जल्दी से, ठीक है, बाय बाय। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है मंडी से। इस बार मंडी के अंदर है हम लोग, जैसे आप लोगों ने रात को देखा होगा कि हम लोग यहीं पर स्टे कर रहे थे हम लोगों ने गुरुद्वारे में, और ये मेरे पीछे गुरुद्वारा है। और भाई बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब सोने में इतने अच्छे बेड थे, डबल बेड थे दो, और रूम काफ़ी लंबा चौड़ा था, और वॉशरूम वगैरह सब कुछ क्लीन था, और लंगर भी खाया हम लोगों ने रात को। और उसके बाद अब सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहीं पे नीचे लंगर में करेंगे हम लोग, और उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए निकलेंगे, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, बस जो भी थोड़े बहुत सीन होंगे वो थोड़े बहुत दिखाता रहूँगा मैं। और इस वाले व्लॉग को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा दिल्ली का भी वापसी का दिखाना है, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन थी बिजली महादेव वो हो नहीं पाई थी, तो हम लोग इस वाले व्लॉग को थोड़ा लंबा कर देंगे। तो दिल्ली तक के जो रास्ते हैं वो भी आप लोग देख लेना, और कैसे हम लोग 26 जनवरी को हम अंदर दिल्ली में एंटर हुए, क्योंकि अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो वो भी देखना है कि दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हमको सेफली जा सकते हैं नहीं जा सकते, वो भी अभी हमको देखना है। तो वो भी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा व्लॉग के अंदर। और भाई मैं बता रहा हूँ वर्थ इट है, अगर आप लोग कभी मंडी या मनाली जा रहे हो ना, तो आप लोग मंडी की तरफ, जैसे आपको हैक्टिक लगता है कि बहुत लंबा है, क्योंकि यहाँ से भी 5 घंटे का रास्ता है मनाली,
और आगे कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है कि बहुत ही ख़राब रोड है। आप लोग अगर आप बाइक से जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे और आपके बैक में बहुत पेन हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कहीं पर स्टॉप लेना, वो भी चीप के अंदर ट्रैवल करना अगर आप लोगों को, तो आप गुरुद्वारे में रुक सकते हो। 700 रुपये का रूम पड़ा हमको दोनों को ही, हम चार जने रुके थे 700 रुपये में, और लंगर भी मिलेगा एक टाइम का खाने का, मतलब जितना मर्जी आप खा सकते हो, जितना आप लोगों ने स्टे करा उतना आप खा के निकल सकते हो यहाँ से। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये गुरुद्वारा था मेरे पीछे, ठीक है, और ये देखो पहाड़ों का व्यू, और वो रिवर जा रही नीचे मंडी की, ये रिवर है, ये पूरे पहाड़ है, और वहाँ से वो फ्लाईओवर जा रहा है उस तरफ से, तो वहाँ से वो रास्ता कटेगा मनाली के लिए, ठीक है ना। और ये देखो ये टेरिस सा बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग व्लॉग वगैरह भी कर सकते हैं। और बंदर देखो कितने बंदर आ रखे हैं, और मेरे को डर लग रहा है मेरा कैमरा लेके ना भाग जाए, इसलिए बस चलते हैं भाई, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। वो बंदर ऊपर से देख रहा है मेरे को, बाइक पूरी सेट हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं अब। ज्योति रेडी हो गई है, ईशान भाजी भी रेडी हो गए, उनकी बाइक भी रेडी हो गई है, वहाँ भी व्लॉगिंग स्टार्ट है। तो अगर पाजी का व्लॉग देखना हो तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, और आप जाके इनके व्लॉग्स भी देख सकते हो, बहुत अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं। दोनों के व्लॉग्स देखना और दोनों को सपोर्ट करना, जितना हो पाए उतना शेयर और लाइक करना भाई। चलो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बिजली महादेव नहीं जा पाए, कोई नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे, लेकिन हमने ट्राई करा, ये नहीं हार मानी, लेकिन ट्राई जरूर करा था, तो कोई नहीं, अगली साल, हाँ अगली बार जब कभी आएंगे तब करेंगे। वही वही इसने सारी बाइक को कलरफुल बना दिया, इसकी गलती है, सैडल बैग नहीं लेके आया इस बार, हम ऐसा लग रहा है होली खेलने जा रहे हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रिप पे जब जाएंगे ना तो ये पूरा ब्लैक थीम रखेंगे, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है की गाँव से आए हम लोग। और बाजी की बाइक देखो कितनी बढ़िया लग रही है, पूरा ब्लैक है, ब्लैक सेटअप है पूरा इनका, ये देखो। और ये बस स्टैंड है मंडी का, ये देख लो। ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा मैं इसमें, क्योंकि सेम रास्ता है जिस रास्ते पे हम लोग आए थे, तो फ़ायदा नहीं है कुछ दिखाने का। अगर कुछ होगा बीच में कुछ तो मैं दिखाता हूँ, बाकी ये मंडी है बस, मंडी से हम लोग निकल रहे हैं, और बीच के थोड़े बहुत शॉर्ट्स डाल दूँगा सिनेमैटिक, अगर कुछ डालने वाले लाइक होंगे तो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी देख रहा है, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके बता भी देना कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा और क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, और क्या क्या हमें अभी इम्प्रूव करना वो सब भी बता देना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, और नेम हैंडल भी हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। हम लोग अभी मुरथल से 100 किलोमीटर दूर हैं, 2 घंटे का रास्ता रह गया अभी सोनीपत का, और अभी पेट्रोल फिलअप करवाया मैंने यहाँ से, इसके बाद सीधे दिल्ली निकलेंगे। मैं वीडियोस बना नहीं पाया रास्ते की, लेकिन अब दिल्ली आने वाला है, तो अब हम सीधे आप लोगों को मुरथल मिलते हैं। A few moments later. तो भाई ईशान भाई की बाइक का टायर पंचर हो गया है पीछे वाला, और अभी हम लोग सिंघू बॉर्डर हम लोगों ने भी पार करा है, बड़ी मुश्किल से सिंघू बॉर्डर पार हुआ है, बहुत ट्रैफिक था भाई, पूरा जाम कर रखा है वो सिंघू बॉर्डर, और जैसे ही हमने वो पार करा वैसी टायर पंचर, एक न एक मुसीबत होती जा रही है। रात के 11:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोग करनाल रोड पर ही हैं, देखो अंधेरा काफ़ी हो रहा है, और ट्यूबलेस टायर नहीं है तो पूरा टायर बैठ गया है,
किस्मत अच्छी है हमारी कि हमको यहीं पर ही शॉप मिल गई, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा हमको और काम बन गया। अब पंचर लगवाते हैं, अभी सामान सारा उतारना पड़ेगा डबल स्टैंड लगाने के लिए। पंचर तो पंचर था ही साथ में, और ये तीलियाँ भी टूट चुकी है बाइक की, ये देखो रिम की, बहुत ज़्यादा सीन हो गया भाई ये तो। और टायर देखो पूरा बबलिंग खा रहा है टायर, ये तीलियाँ पूरी टूट गई है और अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जाने में, अब देखते हैं क्या होगा। ये छोटा हाथी बुलवाया है क्योंकि बाइक को अब लोड करना पड़ेगा, इसके जो बताया था आपको रीम्स जो है, रीम्स के तिल्लियाँ जो है टूट गई है, तो इसको अब लोड करके लेके जाना पड़ेगा। और अभी 25 किलोमीटर दूर बता रहा है हमारा घर, तो ये भैया आए हैं, ये भैया पिक करेंगे। रात के 2 बज रहे हैं, 2 घंटे हो गए हम लोग यहीं पर खड़े खड़े, सब परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यास है सब लोग। और अब बाइक को लोड करवाएंगे हम लोग। वहाँ से नहीं चढ़ रही थी, अब इस तरह से ट्राई कर रहे हैं हम चढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पर ढलान है तो यहाँ से हम इसे चढ़ा देंगे बाइक। आ जाओ, फाइनली बाइक चढ़ गई है। अब हम डबल स्टैंड लगेगा, अब सारा सामान इसमें लोडिंग करते हैं और पश्चिम घाट चलते हैं वापस घर की तरफ। रात के 2:30 बज रहे हैं, 2 घंटे हमको हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, अब घर जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, भूख भी लग रही है।